यस बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई, जिसके कारण दोस्तों ये जो यस बैंक है 5 रुपीज़ से 16 रुपीज़ पे चला गया। क्या हमें ख़रीदना चाहिए और वो क्या न्यूज़ है, उसके बारे में फुल डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, निर्मला सीतारमन जी ने बताया है कि यस बैंक को चाहे जो भी हो इसको डूबने नहीं दिया जाएगा और यस बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा एसबीआई के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। इसी न्यूज़ के कारण दोस्तों यस बैंक जो है 5 रुपीज़ तक चला गया था। हालाँकि दोस्तों ये 1 रुपये तक भी जा सकता था, 1 रुपीज़ तक भी जा सकता था, लेकिन एक न्यूज़ ने इसको बचा लिया और ये फिर से दोस्तों 5 रुपीज़ से 16 रुपीज़ तक आ गया। वो यही न्यूज़ है दोस्तों, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी बैंक को डूबने नहीं दिया जाता है, इस जैसे इसको सपोर्ट मिला। लेकिन क्या हमें खरीदारी करना चाहिए यस बैंक में? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से दोस्तों अभी भी आपको खरीदारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप ये समझ जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस पॉइंट में भी हमें यस बैंक को खरीदना काफी खतरे, मतलब बहुत ज्यादा खतरा यहां पर भी, ठीक है। मैं आपको 1 साल का चार्ट दिखाता हूं यस बैंक का, ये रहा आपके सामने 1 साल का चार्ट, ठीक है। ये दोस्तों जब 280 के आसपास था, वहाँ से जब ये 200 के लेवल में आया, तो 200 के लेवल में आया इस प्राइस पे, तो लोगों ने सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस में खरीदा है, अब यस बैंक नीचे नहीं जाएगा, मुझे तो प्रॉफिट होना ही होना है। लेकिन दोस्तों 200 के लेवल से जब ये नीचे आया 140 या 120 के रेंज में, तो लोगों ने सोचा, बहुत जम के खरीदारी हुआ दोस्तों, 22 करोड़ तक चला गया था दोस्तों, इसने बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीदा और ये सोच के खरीदा कि मैंने तो 100 के प्राइस पर खरीदा है और ये 400 का स्टॉक है, अब तो मुझे प्रॉफिट मिलना ही मिलना। उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक चला गया 100 रुपीज़ के प्राइस में, 70 रुपीज़ के प्राइस में भी लोगों ने सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा लोएस्ट प्राइस में खरीदा है, मुझे तो प्रॉफिट होगा ही होगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आज के डेट में यस बैंक जो है 5 रुपीज़ को टच किया है, कल को 1 रुपीज़ में भी हो सकता है, ठीक है। बुरा मत मानिएगा कल के, मतलब कल आने वाले दिनों में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यस बैंक काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा हद तक ये अपने ट्रस्ट और लॉयलिटी, मतलब बिजनेस में एक ट्रस्ट नाम की चीज़ होती है दोस्तों, वो लोगों से हट चुका है और सब लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यस बैंक अपना पैसा निकालना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बता देना चाहता हूं दोस्तों, यस बैंक का सब्स्टिट्यूट भी है। सब्स्टिट्यूट का मतलब यस बैंक को छोड़ के आप और भी ऐसे बैंक है जिसमें आप अपना जो है दम भर खरीदारी कर सकते हो, इतना कि आपका पैसा अच्छा से अच्छा ग्रोथ हो जाए। हाँ, भले ही जो यस बैंक ने कुछ मिनट में आपका पैसा 3 गुना किया, 5 रुपये से 16 रुपये तक, अगर फाइनली हम देखें तो दोस्तों यस बैंक लॉस में है, प्रॉफिट में नहीं है, ठीक है, लॉस में है प्रॉफिट में नहीं है। तो आपको ऐसे बैंक से थोड़ा सा दूरी बनाए रखना चाहिए। और दोस्तों जब यस बैंक का प्राइस 400 से मान लीजिए कि 5 रुपीज़ तक आ गया और लोगों ने हर एक प्राइस पे ख़रीदा, हर एक प्राइस पे ख़रीदा और ये सोच सोच के ख़रीदा कि मैंने जिस प्राइस पे ख़रीदा है ना वो सेफ़ है, मैंने जिस प्राइस पे ख़रीदा है वो सेफ़ है। लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, शेयर मार्केट का सबसे बड़ा फॉर्मूला जो आपको 10 किताब पढ़ने के बाद आपको ये नॉलेज आएगा, हम जब भी शेयर मार्केट में किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं तो हमें प्राइस देख के नहीं, वजह देख के ख़रीदना चाहिए, प्राइस देख के नहीं, वजह देख के ख़रीदना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूं, भले ही कल को यस बैंक 50% का आपको पॉजिटिव रिटर्न दे, लेकिन फिर भी आप गलत रास्ते में हो, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। और एक चीज मैं आपको जरूर बताता हूं, जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं मैं आपको एक चीज बोलता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है। तो आप बोलोगे कि यस बैंक के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, तो जरूर मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं। ये देखिए, हमारा तो काम है आपको एक दिन पहले अलर्ट कर देना कि कौन सा स्टॉक आपको ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रूफ के तौर पे आपको डेट दिखा देता हूँ, 4 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाया था, ठीक है, 4 मार्च को मैंने ये वीडियो बनाया था और साफ साफ बोला था दोस्तों यस बैंक बन जाएगा आरकॉम। आप थंबनेल देख के आप पहचान सकते हो, मैंने आरकॉम बताया था और आरकॉम समझ सकते हो दोस्तों, एक ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक हुआ करता था, लास्ट में 1 रुपये तक पहुँच गया और 1 रुपये में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा जम के खरीदारी किया और ये सोच के कि कल को ये 2-3 रुपया हो जाएगा तो मेरा पैसा 2 से 3 गुना हो जाएगा। लेकिन फाइनली हुआ क्या, कंपनी का काम खत्म हो चुका है और ये कंपनी निकल चुकी है शेयर मार्केट से बाहर, फाइनली लोगों को नुकसान हुआ। उसी तरह मैं यस बैंक को भी आपको बता देना चाहता हूं, एक बार वीडियो देख लीजिए प्रूफ के तौर पे। मैं प्रॉफिट के इंटेंशन से आए हो, अगर आप मार्केट में पैसे कमाने के लिए आए हो तो मैं ये बोलूंगा यस बैंक से भी काफी अच्छे अच्छे स्टॉक है जो उससे सस्ते वैल्यूएशन पे आपको अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक मिल जाएगा जहां पर आप अपना जो है प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मैं तो यस बैंक को ही खरीदूंगा, मैं ये ठान लिया हूं मेरा पैसा यहां डूबा है तो यहां ही निकालूंगा,
मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आप गलती कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बदला नहीं लिया जा सकता शेयर मार्केट में, यहाँ पर अपने इंटेलिजेंसी के दम पे पैसा कमा सकते हो लेकिन बदला नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो मैं बोलूंगा दोस्तों, अगर यस बैंक अगर मार्केट और भी गिरता रहा इसी तरह, मान लीजिए कि 2 या 3 हफ्ते में, और यस बैंक अगर कैपिटल रेज करने में असफल रहा, तो ये आरकॉम का हाल बन जाएगा। और इतना ही आरकॉम का हाल बन जाएगा मतलब तो आप समझ सकते हो दोस्तों, 1 डिजिट में आ जाएगा। और उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो भी बनाया था कल, मतलब यस्टरडे ही मैंने वीडियो बनाया था और बताया था यस बैंक कल को आपको 1 डिजिट में दिखाई देगा, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले ये दिखा देता हूँ पूरा, याद रखेगा कि बीच बीच में कभी कभी अपर सर्किट भी आता है, ठीक है, कभी अपर सर्किट भी आता है यस बैंक में, कभी 10% का, कभी 20% का, तो आप उस झांसे में मत आइएगा। मैं आपको दिखा देता हूं चार्ट में, ठीक है। तो चार्ट ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा दोस्तों, तो मैं यहां पर आपको ये बताना चाहता हूं, कल के डेट में अगर यस बैंक में 30% तक की भी अगर तेजी आती है ना, तो मैं बोलूंगा भाई ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, ठीक है। 30 या 40, तो आपने सुना दोस्तों, मैंने ये भी बोला अगर 30 या 40% का भी अगर इसमें उछाल आता है तो आपको यस बैंक में नहीं खरीदना है। सोचिए मेरा जो इंटेंशन क्या है दोस्तों, उस चीज़ को खरीदो जो क्वालिटी है। आपने ये एक चीज़ एक बुक में लिखा था, मैं आपको बताता हूँ, जितना बुक पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है। बुक से दूर मत भागो। देखो वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से पैसा नहीं नॉलेज कमाया, पैसे तो यार हर जगह से आ जाते हैं। कुछ लोग जो नाली से काम करते हैं उनको भी पैसे मिल जाता है, कुछ लोग जो प्रोफेशनल एसी में काम करते हैं उनको भी पैसे मिल जाता है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज कमाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो एक बुक में लिखा हुआ था दोस्तों, एक इंसान थे, ठीक ना, उन्होंने दोस्तों कभी भी किसी चीज़ को अगर करते थे ना तो बेटर करते थे, बहुत अच्छा, मतलब कि जो अच्छे क्वालिटी के काम होते थे वही करते थे। लेकिन दोस्तों बेटर से कोई भी अच्छा, मान लीजिए कि कभी ये होता है ना कि हमने जो 100 रुपये का जो सामान मिल रहा वो कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जो 10 रुपये मिल रहा है, सेम वही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए जो ब्रांडेड फ़ोन है एप्पल का जो फ़ोन है वो 50-60 हज़ार में अच्छा फ़ोन मिलता है, लेकिन दोस्तों 5 या 6 हज़ार में भी आपको कुछ मतलब सेम फ़ोन मिल जाते हैं, या 10 या 20 हज़ार में भी आपको मिल जाता है। लेकिन वो जो 50 हज़ार का फोन है, ये जो दोस्तों आपको 10 हज़ार में फोन मिल रहा, वो दोनों डिफरेंट है, दोनों का कुछ ना कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ ऐसा तो डिफरेंस होगा जिस वजह से आपको ज्यादा वहां प्राइस लिया जा रहा है, यहां पर कम प्राइस लिया जा रहा है। उसी तरह दोस्तों मैं बोल सकता हूं, जो बेटर होता है, जो बेस्ट होता है, उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको बोला यस बैंक कल को अगर 30-40% भी चला जाता है तो भाई आपको नहीं खरीदना है, 10% की भी अगर तेजी आ जाती है तो दूर रहिएगा। यस बैंक ने 10 साल के अंदर किसी को प्रॉफिट नहीं दिया। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो भाई हमारे फॉलोअर्स को तो पहले ही 247 रुपीज के प्राइस पे बता दिया गया था। हाँ दोस्तों 247 अराउंड 250 के प्राइस पे बता दिया गया था कि यस बैंक गिरने वाला है। जैसे बिलो 200 आया हमने बता दिया था कि यस बैंक डूबने वाला है। अब हमने हाँ दोस्तों मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने 250-240 रुपये के भाव पे बोल दिया था कि यस बैंक डूबने वाला है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो प्लीज एक कमेंट करके दिखाओ, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करूंगा। देखिए आपको एक कमेंट करना, इतना हिम्मत तो आपको रहना चाहिए दोस्तों। अगर आपको लोगों को प्रूफ चाहिए तो मैं यस बैंक से रिलेटेड 10-10 वीडियो आप लोगों को ला के दे दूंगा। जब यस बैंक का प्राइस 250 रुपये था, जहां से लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया वहां से मैंने बेचना स्टार्ट किया। यही बात है कि लोगों ने जहां से खरीदना स्टार्ट किया मैंने बेचना स्टार्ट किया, और उनको आज के डेट में लॉस है, हमको आज के डेट में प्रॉफिट है। तो बात माना करो, देखो नॉलेज के बेस्ट पे आगे बढ़ा करो दोस्तों। प्राइस तय नहीं कर सकता, कब कितना खरीदना है, आपको क्या खरीदना है वो देखना है। हम तो पैसे में कुछ बोलते हैं भाई, थोड़ा कम भी लगा लो ज़्यादा भी लगा लो, तो वो चीज़ नहीं करना है भाई। क्या खरीद रहे हो वो तुम समझो, पूरा पैसा दो लेकिन क्या जो चीज़ तुम खरीद रहे हो उस चीज़ में एक भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये बताया था यस बैंक का प्राइस गिरने वाला है, दूसरी बात हमने बताया कि यस बैंक डूबने वाला है, ठीक है। तो अब क्या बताया जाए, उसके बाद से लोगों ने इतना जम के खरीदारी किया और इतना नुकसान हुआ, सारा पैसा जो है लगभग डूब गया, ठीक है। तो अगर आप कोई स्टॉक ही खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो यस बैंक की क्यों, आपके पास और भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं ओरिएंट बैंक नाम की, यहां देख सकते हो ओरिएंट बैंक, ठीक है, 40 रुपीज के प्राइस पे आपको मिल रहा है, 14% के इसमें अपर सर्किट पे। खरीदो खरीदो खरीदो, दम भर के खरीदो, इतना खरीदो कि घर भर जाए भाई, घर भर जाए, एक भी शेयर नहीं बचना चाहिए ऐसी चीज को। तो आपने देखा दोस्तों मैंने क्या बोला, मैंने बोला जिन्होंने यस बैंक को खरीदा है उसको छोड़ के इससे अच्छा स्टॉक खरीदो। अब आप पूछोगे कि इससे अच्छा कौन सा स्टॉक है, आपके सामने ओरिएंट बैंक है, ठीक है, इसको खरीदो 40 रुपीज़ के प्राइस पे, 14% का अपर सर्किट है, खरीदो दम भर के खरीदो। और आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने यस बैंक से लोगों को निकालने के लिए 3 से 4 सब्स्टिट्यूट स्टॉक दिए हैं, मतलब लोगों का जहां पैसा डूबा मैंने वहां उनका पैसा को दो गुना। अगर इसके भी वीडियो चाहिए तो बस कमेंट कर दीजिए भाई, इतना हिम्मत तो होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने हर बार जो है
लोगों का पैसा दो दो गुना कर करके बताया कि भाई येस बैंक से अच्छा ये स्टॉक खरीद लो, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, सब्स्टिट्यूट स्टॉक बताया येस बैंक से अच्छा। और आज के डेट में भी ये देख लो दोस्तों, ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया था, बस देख लो मैंने कब अपलोड किया था, 4 मार्च को, और मैंने बोला था ओरिएंट बैंक को खरीद लो, 40 रुपीज़ का स्टॉक है। आज के डेट में देख लेते हैं क्या प्राइस है, तो ये रहा दोस्तों 40 रुपीज़ का स्टॉक, 48.35 है इसका हाईएस्ट, अगर देख लेते हैं दोस्तों 49.50, तो दोस्तों 40 रुपीज़ का स्टॉक आपके आंखों के सामने 50 रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो कम से कम तो 20% का आपको, 20 या 25% का प्रॉफिट आपको मिल रहा, वो भी 2 से 3 दिनों के अंदर, 2 से 3 दिनों के अंदर। और हर बार मैंने आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाया दोस्तों, और कभी भी मैंने आपको गलत रास्ता पर नहीं लेके गया। अभी भी मैं आपको बोलूँगा, कल को भले ही येस बैंक 50 रुपया या 100 रुपया हो जाए, लेकिन आपको खरीदना क्या है, जो बेस्ट है, जो अच्छा है, ठीक है, आप बेस्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, इस न्यूज़ निर्मला सीतारमण के न्यूज़ की वजह से येस बैंक में तेज़ी आ सकती है, लेकिन अब आपके ऊपर है, क्योंकि पैसा आपका, मर्जी आपका, अब जो भी आपको करना है, क्योंकि प्रॉफिट भी होगा तो आपका, लॉस भी होगा तो आपका, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पेड सर्विसेज दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ पर ओरिएंट बैंक बताया गया, और ये देखिए मैंने कल ही वीडियो बनाया था, यहाँ देखिए 20 आवर अगर, मतलब 20 घंटे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, अगर ये न्यूज़ सच हुआ तो येस बैंक सिंगल डिजिट में दिखाई देगा, सिंगल डिजिट में, और आज के डेट में आपको सिंगल डिजिट में दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था, यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जब माइंड इंडिया बुल हाउसिंग का वीडियो बनाया, तो इसमें भी मैंने आपको अच्छा से अच्छा अराउंड 20 या 30% का प्रॉफिट निकाल के दिया। और उसके बाद ये देख लो दोस्तों, ये वीडियो में मैंने 4 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, और ये था एक शेयर खरीद लो भाई, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। आज के डेट में जाके देख लो कितना लंबा तेजी है। तो भाई मैं आपको अपना प्लेटफॉर्म दिखा सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन आपको ही चलना पड़ेगा रास्ते पे। और अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ जुड़ के पेड सर्विसेज ले, वहाँ पर आप अच्छा से अच्छा बेनिफिट उठाओ, और ऐसे जो है ऐसे डेंजर वाले स्टॉक से आप बचो, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, पेड सर्विसेज ले सकते हो। ये जो ऊपर वाला नंबर है दोस्तों, ये व्हाट्सअप का परमानेंट नंबर है, हालांकि आपको 1-2 दिन टाइम लगेगा रिप्लाई देने में, लेकिन आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उसके बाद ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशनल लगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो।